बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ब फॉर्म्स एडवांस लेवल में कर रहे हैं, तो आज की क्लास में हमने जो चार वर्ड सेलेक्ट किए हैं वो बज़ाहिर तो बहुत आसान से लगते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, कि मैंने एक सिंक को सेलेक्ट किया है, यहाँ पे ड्रिंक को किया है, मेल्ट को किया है और गॉट को किया है। मेरा ख्याल है टू क्लास का बच्चा भी इनसे वाकिफ़ होगा, ठीक है जी। चलें जी, इनके ज़रा फॉर्म्स बता दें मुझे। बिल्कुल जी, आप मेरा ख्याल है 100% ठीक बताएँगे कि ये जी सर सिंक, सेंक और संक होता है, ये लीजिए लिख लिया। दूसरी जी, ठीक कहा जी आपने, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक होता है, बिल्कुल ठीक है जी। इसकी जी मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड ऐसे होता है, ठीक हो गया जी। और गेट की, गेट, गॉट, गॉट यही होता है, ठीक हो गया। अब आप यहाँ जो बात मैं आप तक आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ जो वो ये है कि इनका जो पास्ट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो हमें पता है कि जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन इन वर्ब्स की खसूसियत ये है कि इनकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है इस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होती एडजेक्टिव के तौर पर। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगी जी मैंने एक डूबा हुआ जहाज़ देखा, शिप एक जो डूबा हुआ था वो देखा, तो मैं क्या लिखूँगा, कहूँगा कि आई सॉ अ संकन शिप। संक शिप नहीं होगा, संकन शिप, इनके लिए जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो इसके लिए हम संकन यहाँ से उठाते हैं। संक आमतौर पर ये होता है कि मतलब ही द रिटायर्ड प्लेयर, रिटायर, रिटायर होने को कहते हैं, रिटायर, रिटायर्ड, रिटायर्ड। तीसरी फॉर्म हमने उठा ली और उसके साथ जब नाउन लगाया तो वो एडजेक्टिव बन गया, पास्ट पार्टिसिपल बन गया, तो लिहाजा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ही वा आई सा संक शिप नहीं होगा, संकन शिप होगा। इसी तरीके से आई सा आ जी ड्रंकन मैन होगा, ड्रंक मैन नहीं होगा, ड्रंकन मैन, शराबी आदमी देखा जी मैंने, ठीक है जी। तो यानी आप देख लें कि इसकी जो पार्टिसिपल बन रही है पास्ट पार्टिसिपल, वो थर्ड फॉर्म जो रेगुलर है उससे नहीं बन रही, बल्कि जो उससे डिफरेंट फॉर्म है वो एक अलग फॉर्म जाके वो यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से आई सा अ मोल्टन मटीरियल, मोल्टन मटीरियल का मतलब है कि मेल्ट हुआ हुआ मटीरियल मैंने देखा, आई सा मोल्टन मटीरियल, तो ये मेल्टेड मटीरियल नहीं होगा, मोल्टन होगा, ये देखिए जी मोल्टन मटीरियल। मैंने जो है रंकन है जी, संकन है और मोल्टन है जी, तो मैं आई सा मोल्टन मटीरियल, तो मैंने मोल्टन मटीरियल जो है वो देखा, यानी पिघला हुआ मटेरियल देखा। इसी तरीके से गॉट, गॉट, गेट, गॉट, गॉट की फॉर्म्स यही होती हैं, लेकिन जब हम इसे पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर गॉटन यूज करते हैं, ठीक है, ही रिटर्न्ड द गॉटन प्राइज टू द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी से उसने इनाम लिया था ना वो यूनिवर्सिटी को वापस कर दिया गुस्से की वजह से कि भाई आप अगर मुझे फलां फलां डिग्री साथ नहीं देते तो मुझे ये प्राइज़ भी नहीं चाहिए, अपना प्राइज़ वापस ले लें, ठीक है जी। तो गॉटन प्राइज, यहाँ पे गॉट प्राइज नहीं यूज़ करेंगे। तो आपने देखा कि इन सब में हमने वी थ्री जो इनकी है वो यूज़ नहीं की पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर, हमने एक अलहदा वी थ्री को शेप दे के उसको पास्ट पार्टिसिपल बनाया और उसको हम यूज़ कर रहे हैं, और ये इन चार जो वर्ब्स हैं इनकी ये खसूसियत होती है। थैंक यू।